वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि देखन में तो छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। और ये कहावत पॉक्यूपाइन और हेजहॉग के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये साइज के मामले में तो काफी छोटे होते हैं, लेकिन जब ये अपने पर उतर आते हैं तो एनिमल किंगडम के कई खूंखार और खतरनाक जानवरों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पॉक्यूपाइन और हेजहॉग के कुछ ऐसे दिलचस्प अटैक्स को दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मासूम से दिखने वाले ये जीव किसी छोटा पैकेट और बड़ा धमाका से कम नहीं है। हेजहॉग वर्सेस किंग कोबरा। जिस किंग कोबरा का सिर्फ नाम सुनते ही लोगों की धड़कन तेज हो जाती है, वही किंग कोबरा हेजहॉग के सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब ये नागराज अपने शिकार की तलाश में दर दर की खाक छान रहा होता है, तो वही ऐसा ही कुछ आलम इस हेजहॉग का भी होता है, जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। लेकिन तभी इत्तेफाक से इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। ऐसे में जहां एक और किंग कोबरा सामने से चलकर आए इस शिकार को देखकर फन फैला लेता है, तो वही दूसरी ओर इस बेहद ही खतरनाक सांप को अपने सामने देखकर हेजहॉग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। हालांकि जैसे ही सांप हेजहॉग के ऊपर अटैक करता है, ठीक तभी अपने कांटेदार शरीर को आगे करते हुए सांप की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे में इसके कांटेदार शरीर के ऊपर वार करना सांप के लिए संभव नहीं होता, तो वही हेजहॉग अपने नुकीले दांतों से सांप को काटना शुरू कर देता है, जिसके बाद बेचारे नागराज के पास वहां से दुम दबाकर भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हेजहॉग वर्सेस स्नेक। ऐसा ही एक दूसरा मामला देखने को मिला जब इस सांप का सामना हेजहॉग से हो जाता है, जिसके बाद ये सांप अपने सामने आए इस नन्हे से जीव को देखकर उसे अपना आसान शिकार बनाने की गलतफहमी पाल बैठता है। लेकिन सांप को हेजहॉग की ताकत का शायद अंदाजा नहीं होता, तभी तो ये इस नन्हे से जीव के साथ पंगा लेने के लिए आ पहुंचता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हेजहॉग ने भी इतनी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, और जैसे ही सांप उसके ऊपर अटैक करता है, ये अपने नुकीले कांटों को उसके सामने कर देता है, जिसकी वजह से सांप जब भी उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके जबड़े में हेजहॉग के नुकीले कांटे चुभ जाते हैं, जिससे सांप बुरी तरह से तिलमिला उठता है। हालांकि काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब सांप को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ इसकी दाल नहीं गलने वाली, तो ऐसे में वो वहाँ से कल्टी मारने में ही अपनी भलाई समझता है। हेजहॉग वर्सेस स्नेक। अब जरा एक नजर इस क्लिप के ऊपर भी डाल लीजिए, जिसमें दिख रहे सांप महाराज भी इस हेजहॉग को अपना निवाला बनाने की फिराक में लगे होते हैं। लेकिन इन्हें शायद इस बात की भनक नहीं होती कि कुदरत ने हेजहॉग को एक ऐसे बेहतरीन फीचर से नवाजा है, जिसके दम पर ये बड़े से बड़े खूंखार जानवरों को भी मात देने की ताकत रखते हैं। दरअसल हेजहॉग का पूरा शरीर एक कांटेदार परत से ढका होता है, और ये कांटे खतरनाक बैक्टीरिया से लैस होने के साथ साथ इतने नुकीले होते हैं कि अगर ये किसी भी जीव के शरीर में चुभ जाए तो इससे होने वाले असहनीय दर्द की वजह से उसे दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं। लेकिन ये सांप महाराज तो आज किसी भी कीमत पर इस नन्ही सी जान को अपना शिकार बनाकर ही दम लेने वाले थे, लेकिन सांप जैसे ही हेजहॉग के ऊपर हमला करता है, इसका सामना हेजहॉग के नुकीले कांटों से हो जाता है, जिसके बाद तो इस सांप की सारी हेकड़ी मानो छू मंतर हो जाती है, और बिना एक पल भी देर किए ये वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। हेजहॉग वर्सेस डॉग। कुत्ते अपने मालिक की तरफ बढ़ते हुए हर खतरे से टकराने की हिम्मत रखते हैं, और कई बार तो ये अपने मालिक की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा लेते हैं। लेकिन इस क्लिप में दिख रहे डॉग का सामना आज एक ऐसे जीव से हो जाता है, जिससे पार पाना शायद इसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि आज इसका सामना हेजहॉग के साथ होता है, जो इसके मालिक के घर के करीब आ पहुंचता है, जिसे देखकर कुत्ता पूरी तरह से आग बबूला हो उठता है और इसके ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है। इतना ही नहीं, इसके चारों ओर गोल गोल चक्कर काटकर मानो वहां से भाग जाने की हिदायत भी देता है। इसके साथ ही कई बार ये हेजहॉग के करीब भी जाता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर मौजूद नुकीले कांटे को देखकर उसके ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो वही इस कुत्ते की लाख कोशिश के बाद भी हेजहॉग वहाँ से टस से मस नहीं होता, और उल्टा इस कुत्ते को ही इधर से उधर भगाने लगता है। भाई वाह, इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पॉर्क्यूपाइन वर्सेस लायन। इस वीडियो में अभी तक आपने कई खतरनाक जीवों को उनकी नानी याद दिलाते हुए हेजहॉग को तो देख लिया,
लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे मोमेंट से रूबरू कराने वाले हैं जब पोर्क्यूपाइन ने कई खूंखार जानवरों के छक्के छुड़ा दिए। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर अपनी पूरी टोली के साथ पोर्क्यूपाइन को चारों ओर से घेर लेते हैं और इसे अपना शिकार बनाने की फिराक में लग जाते हैं। लेकिन ये शेर शायद भूल जाता है कि हेजहॉग की तरह ही ऊपर वाले ने पोर्क्यूपाइन को भी नुकीले कांटे रूपी एक ऐसे ब्रह्मास्त्र से नवाजा है जिसके वार से किसी भी जीव को बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि इन सारी बातों से बेफिक्र एक शेर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और पोर्क्यूपाइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पोर्क्यूपाइन अपने नुकीले कांटों को शेर की बॉडी में चुभा देता है जिसके दर्द से बिलबिलाता हुआ शेर किसी भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। तो वही अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद बाकी शेरों की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वे पोर्क्यूपाइन को वही छोड़कर चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं। पोर्क्यूपाइन वर्सेस पायथन। अब जरा इस अजगर महाशय को ही देख लीजिए जो शिकार की तलाश में घात लगाए बैठे होते हैं और तभी इसकी नजर दूर से आते हुए इस पोर्क्यूपाइन पर पड़ जाती है जिसे देखकर अजगर की भूख तो जैसे अपने चरम पर पहुंच जाती है, जिसके बाद ये बिना एक पल भी देर किए बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से भागना शुरू करता है और एक झटके में ही पोर्क्यूपाइन के पास जा पहुंचता है और इसे अपना निवाला बनाने की फिराक में लग जाता है। तो वही अपने सामने साक्षात मौत के रूप में खड़े अजगर को देखकर पोर्क्यूपाइन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाता है और जैसे ही अजगर इसे निकलने के लिए अपने जबड़े को आगे बढ़ाता है ठीक तभी पोर्क्यूपाइन अपने नुकीले कांटों से अजगर के ऊपर जोरदार प्रहार कर देता है और जब इतने से भी इसका मन नहीं भरता तो अपनी बॉडी को हिला हिला कर रही सही कसर भी पूरी कर देता है और वहां से पूरी शानो शौकत के साथ अपने रास्ते निकल लेता है। पोर्क्यूपाइन वर्सेस पिटबुल। आपने पिटबुल का नाम तो जरूर सुना होगा जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को नोच खसोट कर चंद मिनटों में ही उसका काम तमाम कर डालते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर इनका सामना किसी पोर्क्यूपाइन से हो जाए तो वो मंजर आखिर कैसा होगा। तो देर किस बात की, आइए हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है और जंग भी ऐसी कि कीचड़ से लबरेज इस गड्ढे में दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ पिटबुल अपने पंजे और खतरनाक जबड़े से लगातार पोर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगा होता है तो वहीं दूसरी ओर पोर्क्यूपाइन भी कम नहीं होता और अपने नुकीले कांटे रूपी हथियार से किसी तीर की तरह पिटबुल के पूरे शरीर को भेदना शुरू कर देता है, जिसके बाद आखिरकार इन कांटों से होने वाले असहनीय दर्द से बेचारे पिटबुल की सारी हेकड़ी पल भर में ही हवा हो जाती है। पोर्क्यूपाइन्स वर्सेस लेपर्ड्स। वीडियो के अंत में आइए अब आपको मिलवाते हैं लेपर्ड से, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही बड़े से बड़े खतरनाक जानवर भी इनसे पंगा लेने से पहले 100 बार जरूर सोचते हैं, क्योंकि ये इतने खूंखार होते हैं कि इनके वार से शिकार का बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अपने शिकार के लिए किया गया इनका हर एक हमला कामयाब हो जाए, क्योंकि कई बार ये कुछ ऐसे जानवरों पर भी हमला कर बैठते हैं जो इनका शिकार बनना तो दूर की बात, वो उल्टा इन्हें बुरी तरह से जख्मी कर डालते हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब लेपर्ड पोर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाने के लिए हमला कर देते हैं, लेकिन तभी पोर्क्यूपाइन अपने शरीर पर मौजूद नुकीले कांटों से तेंदुए के शरीर को मानो छलनी कर देते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।